हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचरिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम पेपरोमिया प्रजाति की एक सुंदर वेरिएटेड किस्म के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन पेपरोमिया की प्रजातियों को हम हमारी प्लांट गैलरी में बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक बागवानी के नए बिगिनर्स भी इन पौधों को आसानी से प्रोपोगेट करने के साथ साथ इन पौधों को बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। हमारे रसोई घर में रोज़मर्रा के जीवन में हम जो चम्मच या स्पून यूज़ करते हैं, उसी की सिमिलरिटी में इस पौधे की पत्तियां दिखाई देती है। इसलिए इस पौधे को कॉमनली चम्मच जैसी पत्तियों वाला पौधा कहा जाता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम पेपरोमिया मैग्नोलिफोलिया है और पेपरोमिया की यह वेरीगेटेड पर्ण समूह वाली किस्म है। पाइपरेसी परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है और पाइपरेसी या फिर पिपरेसी परिवार में इन पौधों के रिश्तेदार के रूप में काली मिर्च जैसे मसाला पौधे भी आते हैं और इन पौधों का पेपरोमिया यह नाम भी ग्रीक भाषा पेपरी से लिया गया है और ग्रीक भाषा में पेपरी का अर्थ होता है काली मिर्च, जैसे कि काली मिर्च के पौधे इस परिवार के सदस्य है। मूल रूप से यह पौधे उष्णकटिबंधीय अमरीका के मूल निवासी है। ट्रॉपिकल अमेरिका में इन पौधों का नेटिव एरिया दक्षिण फ्लोरिडा से लेकर मेक्सिको और कैरेबियन तटों तक फैला हुआ है। वहां के प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे जंगल के अंडरस्टोरी लेयर में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में अपना विकास करते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को वेरीगेटेड पेपरोमिया, स्पून लिप पेपरोमिया, बेबी रबर प्लांट, टेबल टॉप पेपरोमिया ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, यह वेरीगेटेड पेपरोमिया सेमी सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा है और स्टेप बाय स्टेप लो रेट में इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों, पेपरोमिया की कई अलग अलग रंग बिरंगी वैरायटीज में यह वेरीगेटेड पर्ण समूह वाली किस्म हम बाग प्रेमियों में काफ़ी पसंदीदा किस्म है। इस वेरीगेटेड पेपरोमिया के सुंदर एट्रैक्टिव फॉलेज पैटर्न के कारण हमारे प्लांट गैलरी में इसे पॉपुलरली ग्रो किया जाता है। एक यूनिक एट्रैक्टिविटी के साथ इसकी पत्तियाँ इस तरह मांसल और गुदेदार स्वरूप की होती है और इसका प्रमुख कारण यह होता है कि यह पौधे इनकी पत्तियों में और तनों में पानी का संग्रहण करते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण में अवर्षण स्थिति का या फिर लंबे देर तक पानी का स्ट्रेस या तनाव सहन कर सकते हैं। इनकी इन मांसल पत्तियों में इस तरह ग्रीन और दूधिया सफ़ेद कलर शेड का एक अनोखा कॉम्बिनेशन होता है। साथ में इसके स्टेम या फिर तने इस तरह क्रीमी हरे रंग के होते हैं। इस पौधे की पत्तियों का और तनों का एक चमकदार ग्लॉसी लुक होता है। इस पौधे की इन पत्तियों को छूने से इनकी मोटी चम्मच जैसी मांसल पत्तियों का सॉफ्ट टच हम महसूस कर सकते हैं। पोषण स्थिति अनुसार लगभग 1.5 से 2 इंच डायमीटर में यह पत्तियां विकसित होती है। दोस्तों, इस पौधे के हाइट के बारे में देखा जाए तो हमारे प्लांट गैलरी में यह पौधे एवरेजली 10 से 12 इंच तक की ऊंचाई में बढ़ते पाए जाते हैं, लेकिन साथ में आउटडोर गार्डन में बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में और पोषण स्थिति अनुसार यह पौधे इससे भी ज़्यादा हाइट में बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे प्लांट गैलरी में इन पौधों की एक एवरेज ऊंचाई 10 से 12 इंच तक होती है। दोस्तों, इन पौधों के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के प्राकृतिक वातावरण में बड़े पेड़ों के नीचे जंगल के अंडरस्टोरी लेयर में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में पनपते हैं। इसलिए इन पौधों के प्राकृतिक रहन सहन अनुसार हमारे प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को हमें फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में या फिर ब्राइट पार्शियल शेड में थोड़े से इंडोर वातावरण में ग्रो करना है। अगर हम इन पौधों को आउटडोर गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह को हमें चूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट हॉट सनलाइट को यह पौधा सूट नहीं करता। सूरज की हॉट सन रेज इनकी पत्तियों को बर्न कर देती है और साथ में बहुत शेडी एरियाज में या फिर अंधेरी जगह इन पौधों को हमें ग्रो नहीं करना है, क्योंकि इनके लीव्स के कलर पैटर्न के लिए इन पौधों को ब्राइट पार्शियल लाइट या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए इस पौधे को हम हमारे घर के सभी डायरेक्शन में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो कर सकते हैं और साथ में पृथ्वी के सब ट्रॉपिकल जोन में सर्दियों के दिनों में सनलाइट पोर्शन में इनके हैंगिंग बास्केट या फिर पॉट्स की मूवमेंट कर सकते हैं। साथ में भौगोलिक वातावरण प्रणाली अनुसार इन पौधों को सुबह और शाम की सॉफ्ट सनरेज में हम रख सकते हैं। हमारे घर के इंडोर वातावरण में खिड़कियों से आने वाली फिल्टर्ड सनलाइट की तरफ बार बार इनके गमलों की रोटेशन हम कर सकते हैं, जिससे इस पौधे को सभी तरफ से ब्राइट लाइट मिलने से इस पौधे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे सेमी सेक्युलेंट कैटेगरी के पौधे हैं
और ज़्यादातर सभी सैकुलेंट कैटेगरी के पौधे अपने तनों और पत्तियों में कुदरती रूप से पानी का भंडारण करते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप में अवर्षण स्थिति को फेस कर सकें। इसलिए इन पौधों के वाटरिंग नीड आवश्यकतानुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। ज़्यादातर हमारे प्लांट गैलरी के इंडोर वातावरण में बाष्पीभवन रेशो आउटडोर गार्डन के तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए टॉप सॉइल सूखने के बाद और मिट्टी की पूरी तरह से जांच करके ही इन पौधों को पानी देना है। जल भराव स्थिति या फिर ओवरहेड वाटरिंग इन पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बस एक बेसिक पॉटिंग मिक्सचर वेलड्रेन बनाकर इन पौधों के पॉट्स या गमलों की मिट्टी में हमें हमेशा एक आइडियल मॉइस्चर बनाए रखना है। साथ में इन पौधों की पत्तियों पर बीच बीच में पानी का स्प्रे करने से इनकी पत्तियों पर जमी हुई धूल साफ होने के साथ साथ इन पौधों के इर्द गिर्द हम एक ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में यह पौधे हमारे घर के नल के पानी के प्रति थोड़े संवेदनशील होते हैं, क्योंकि पानी के शुद्धिकरण के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन मिलाया हुआ पानी इन पौधों की ग्रोथ में थोड़ा सा इफेक्ट दिखा सकता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो संग्रहित किया हुआ वर्षा जल इन पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इनफैक्ट हमारे प्लांट गैलरी के कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी में स्थित क्लोरीन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। दोस्तों, इन पौधों के फर्टिलाइजर की डिमांड हेवी कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में ऐड की हुई वन पार्ट ऑर्गेनिक खाद पर ही यह पौधे अच्छा विकास कर सकते हैं। दोस्तों, कीट के बारे में देखा जाए तो इन पौधों पर इंडोर वातावरण में प्रतिकूल परिस्थिति में कभी कभी लीफ स्पॉट, लाल मकड़ी के कन, मिलीबग्स और सफ़ेद मक्खी जैसी डिजीज दिखाई देती हैं। शुरुआती चरण में हम प्रभावित पत्तियों को प्लांट से रिमूव कर सकते हैं और साथ में नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। साथ में थोड़े से केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में साबुन के पानी का स्प्रे भी हम इन पत्तियों पर कर सकते हैं। साथ में सुबह और शाम की सूरज की रोशनी मिलने वाले पौधों पर हमेशा इंडोर वातावरण में रहने वाले पौधों की तुलना में इन डिजीज का प्रभाव काफ़ी कम होता है। दोस्तों, इस पौधे का प्रोपेगेशन इनके स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। दोस्तों, नासा के रिसर्च अनुसार यह पौधा एयर प्योरीफायर कैटेगरी का पौधा है, जो हमारी घर की दूषित हवा को अवशोषित करके हमारे घर के वातावरण को काफ़ी शुद्ध रखने में मदद करता है। इसलिए इस पौधे को हम हमारे कार्यालयों में, घरों में, बेडरूम्स में और लिविंग रूम में भी ग्रो कर सकते हैं और साथ में हवा को शुद्ध करने जैसे बेहतरीन गुणों के साथ ब्राज़ील में इस पौधे को लकी प्लांट के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि एक मान्यता अनुसार इस पौधे को एक ऐसा आश्वासन देने वाला पौधा माना जाता है जो यह संबोधित करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसीलिए इस पेपरोमिया का कम से कम एक पौधा तो हमारे प्लांट गैलरी में ज़रूर होना चाहिए, जो हमारे मन में एक नई आशा का संचारण करता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।